नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको पीपीआर वैक्सीनेशन की कंप्लीट डिटेल देने वाला हूं। क्या है पीपीआर वैक्सीन, कौन सा ब्रांड सबसे अच्छा है, किस रेट में आएगी, किस तरीके से लगानी है, सारी की सारी चीज़ें प्रैक्टिकली इस पैनल की मदद से मैं आप लोगों को समझाने जा रहा हूं। जैसे हम हमारे ऑनलाइन सेशन में लेते हैं, ऑनलाइन सेशन में थोड़ा सा और डिटेल से लिया जाता है। बाकी अभी मैं आपको जानकारियां जितनी भी दूंगा, आप ये देख करके पीपीआर के बारे में कभी भी कोई प्रश्न नहीं करेंगे पीपीआर वैक्सीन के बारे में। तो देखिए, शुरुआत हम करते हैं, पहले ही टॉपिक हम लेते हैं कि इसको लगाएंगे कैसे। देखो, कई भाई कहते हैं कि सर हम पीपीआर वैक्सीन लगाते हैं लेकिन वहाँ गांठ बन जाती है, कई समस्याएं हो जाती है। तो देखिए, पहले तो जगह को आप नोट कीजिए, लगाने के तरीके को नोट कीजिए, फिर मैं पीपीआर वैक्सीन पे आपको लेके चलूंगा पूरी डिटेल। तो यहाँ पर आइए एक पल के लिए, थोड़ा सा इसको देखिए कि भाई किस तरीके से लगा रहे हैं। इसको आप नोट कीजिएगा, यहाँ से चमड़ी को उठाया, इसके अंदर डाल दिया, ये देखिए, और पुश कर दिया। अब यहाँ ये पीपीआर नहीं लगाई जा रही है, लेकिन आप लोगों को समझाने के लिए कि किस तरीके से आप चमड़ी में डालेंगे। चमड़ी को उठाइए और उठा करके और नीडल डाल दीजिए। हालांकि ये पशु चिकित्सक का वर्क है, आपको करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, फिर भी एक बार फिर से इसको देख लीजिए ताकि आप आश्वस्त हो जाएं कि मुझे किस तरीके से चमड़ी को उठाना है और किस तरीके से अंदर दवा को डालना है। बस यही सेम तरीका रहता है पीपीआर वैक्सीन करने का। बस ध्यान ये रखना है कि जहाँ अभी लगाई गई है इससे थोड़ा सा नीचे आपको लगानी है। मैं जगह अभी आपको पूरी तरीके से क्लियर करके बता दूंगा। तो उसके लिए फिर देखो, रबिंग जरूर करना है, मालिश जरूर करना है, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। अब हम चलते हैं भाई, हम अपने उसी जगह चलते हैं जहाँ पर हमें मिलेगी पूरी की पूरी पीपीआर के बारे में डिटेल। जी हाँ, यही उद्देश्य है आज के हमारे इस वीडियो को बनाने का। हालांकि थोड़ा सा जल्दबाजी में बना रहा हूँ, कोई मतलब एडिटिंग वगैरह में कोई मिस्टेक हो सकती है। तो देखिए, पीपीआर जो वैक्सीन आती है उसमें दो बोतल आती है। एक आता है डिजोल्व करने के लिए, वाटर आता है, वो डिजोल्वेंट कहते हैं, ये पीपीआर का अलग ही आता है, आप कोई दूसरा वाटर यूज नहीं कर सकते। ये डिजोल्वेंट जो है वही आपको यूज करना पड़ेगा, जिसको हम घोलक बोलते हैं, डिजोल्वेंट बोलते हैं। ये इस तरीके की 100 ml की एक वायल आती है, प्लास्टिक बोतल है, और इस प्लास्टिक बोतल में डिजोल्वेंट घोला रहता है, यानी घोलक इसके अंदर डाला रहता है। ये आप आराम से देख सकते हैं कि ये स्टराइल डाइल्यूट फॉर लाइव वैक्सीन, ये लाइव वैक्सीन है और इसको डाइल्यूट करने के लिए यहाँ पर ये दिया गया है। अब यहाँ वैक्सीन कौन सी यूज़ हो रही है, नाम पढ़ लिया आपने, ब्रांड का नाम है रक्सा पीपीआर। जी हाँ, रक्सा पीपीआर की दो वायल आपको मिलेगी, एक 100 ml की मिलेगी और एक छोटी सी मिलेगी। इस छोटी सी वायल में अंदर पाउडर होता है, लेकिन ये जो पाउडर है ना, ये गोले से रूप में इस तरीके से आपको दिखेगा। जी हाँ, यहाँ पर आप गौर कीजिए, मैं थोड़ा सा पेन जो है वो ब्लैक ले लेता हूँ ताकि आप लोगों को दिखे। यहाँ पर आप गौर कीजिए, ये गोला, इस गोले को गौर कीजिए, ये इस तरीके का आपको पाउडर अंदर मिलेगा, एक डड़ा सा मिलेगा, एक पार्टिकल सा मिलेगा। दोनों पैकिंग है, आपको करना क्या है, पहले पैकिंग खोलनी है, इसके ऊपर से पैकिंग खोली और खोलने के बाद यहां से आपको 3 ml दवा निकालनी है। कितनी निकालनी है, 3 ml। इनको आप नोट करते रहिए, ये बहुत ज्यादा जरूरी चीज है। यहां से दवा आपको लेनी है 3 ml, ठीक है। यहां से दवा ली और इसकी कैप खोल करके वो 3 ml दवा इसके अंदर डाल देनी है। डाल दो, अच्छी तरीके से हिला लो। अब आपने ये दवा डाल करके अच्छी तरीके से हिला लिया, और हिलाने के बाद, अच्छी तरीके से हिलाने के बाद आप थोड़ी देर के लिए उसे रोकिए, और रोक करके और फिर से 3 ml दवा जो डाली थी वही आप वापस निकाल लीजिए। क्यों निकालेंगे, क्योंकि हमें इसको इस डाइल्यूटर में डालना है, समझ गए बात। तो इसमें से हम 3 ml मेडिसिन वापस निकालेंगे, 3 ml मेडिसिन ये वापस ली और इसमें हमने डाल दी, ठीक है। इसमें डाल करके इसको आप हिला लीजिए, हो गया काम। लेकिन यहाँ कई बार क्या होता है कि ये काम अगर अच्छी तरीके से नहीं होता तो कुछ वैक्सीन के अंश इसमें रह जाते हैं,
जो किसी काम के नहीं आते। इसीलिए आपको यह प्रक्रिया दो बार करनी है। दोबारा फिर से इसमें से 3 ml लिया और लेकर के इसके अंदर डाला, हिलाया और वही 3 ml निकाला और इसके अंदर वापस डाल दिया। तो दो बार आपको यह काम करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। समझ में आ गई बात। इसके बाद यहां इस वायल का काम खत्म और ये वायल हमारे लिए एक्टिवेट हो चुकी है, लेकिन जितना जल्दी हो सके इसे आप इस्तेमाल कर लीजिए। ना आप इसे फ्रिज में रख सकते हैं, ना आप इसको दूसरे दिन यूज कर सकते हैं। एट ए टाइम उसी दिन आपको यूज करना रहेगा। अगर 100 की जगह मान लीजिए आपने 90 लगाई है तो बाकी की फेंक दीजिए, क्या करें। ये उसी दिन यूज होती है, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी चीज है। आपको पता है कि ये जो रक्सा पीपीआर है, पीपीआर बीमारी में काम आती है, पीपीआर बीमारी को रोकती है। पीपीआर एक ऐसी बीमारी है जो बकरियों में बहुत ही ज्यादा होती है। सबसे ज्यादा नुकसान अगर बकरी पालन में होता है तो वो पीपीआर की वजह से होता है, जिसको हम पेस्टिडेस पैटेट्स इन रूमिनेंट बीमारी बोलते हैं। और ये जो पीपीआर बीमारी है ना भाई, खतरनाक है। और इसके बारे में मैंने डिटेल से पूरा का पूरा कोर्स अपलोड कर दिया है आप लोगों के लिए, तो जो हमारी गॉट क्लासेस है उसमें जाकर के आप कोर्स को देख सकते हैं और पीपीआर के एक एक अंश को पहचान सकते हैं, कब होती है, क्यों होती है और जब हो जाती है तो इसकी अलग अलग स्टेप्स क्या है और हर स्टेप्स का ट्रीटमेंट क्या है, सब चीज़ें वहाँ पर हमने डाल दी है, क्योंकि ट्रीटमेंट का थोड़ा सा मैटर जो है वो अलग रहता है। अब आते हैं हम वापस इसी पेस्टिडेस पैटिट्स इन रूमिनेंट बीमारी की वैक्सीन पर। तो ये जो वैक्सीन है, अब ये वैक्सीन तैयार होगी, आपने हिला लिया, हिला करके तैयार कर दिया है। अब इस वैक्सीन की एक बात विशेष सुनिएगा कि ये वैक्सीन कभी भी आप फ्रीज से बाहर नहीं निकाल सकते। इसको जब सुरक्षित रखना है, चाहे इसको रखो, दोनों को ही सुरक्षित जब आप रख रहे हैं तो ये 2 डिग्री से लेकर के 8 डिग्री सेल्सियस पर ही हमें सुरक्षित रखनी है, ये विशेष ध्यान देना। और ये रहता है फ्रीज में। फ्रीज में कहाँ पर रहता है? जहाँ पर हम सब्जियाँ रखते हैं। अगर आपने जहाँ बर्फ जमती है वहाँ अगर रख दिया तो वहाँ का टेम्परेचर 0 डिग्री से भी नीचे चला जाता है। 0 तो जा ही सकता है और 0 पे जम जाती है, और अगर ये जम गई वैक्सीन तो खराब हो जाएगी। इसीलिए आपको कहाँ रखनी है? वहाँ रखनी है जहाँ आप सब्जियाँ वगैरह रखते हैं, वहाँ का टेम्परेचर 2 से 8 डिग्री रहता है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है ये, समझ लेना। तो आपको फ्रीज में उस जगह रखना है जहाँ 2 से 8 डिग्री टेम्परेचर रहे। इसके अलावा जब भी आप निकाल करके और अपने फार्म पर ले जा रहे हैं वैक्सीनेशन के लिए, तो उसे भी आपको आइस बॉक्स में ले जाना है। कहने का मतलब जो वैक्सीन कैरियर आता है उसके अंदर आइस बॉक्स आते हैं, उसके अंदर ही आपको रख करके ले जाना है। ऐसे नहीं कि फार्म पर फ्रीज से खुले ही ले गए। अगर आपने इस वैक्सीन को 15 मिनट से ज़्यादा खुला रखा तो भाई इसकी एफिकेसी कम हो जाएगी, इसका प्रभाव कम हो जाएगा, और अगर ज़्यादा समय के लिए रखा तो ये खराब भी हो सकती है। इसीलिए इस वैक्सीन को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है 2 डिग्री से 8 डिग्री पर रखना। इस चीज को आप क्लियर कट समझ लीजिए। चाहे आप किसी ब्रीडर, किसी जो स्टोकिस्ट है उसके वहां से ला रहे हैं या किसी कंपनी से ला रहे हैं, कहीं से भी ला रहे हैं, तो टेम्परेचर मेंटेन होना पहली चीज है, जिसको हम बोलते हैं कोल्ड चेन मेंटेन रखना। अगर कोल्ड चेन आपने पीपीआर की मेंटेन नहीं रखी तो भाई फायदा नहीं होने वाला है। इसीलिए विशेष ध्यान रखिए, पीपीआर वैक्सीन अगर आप कर रहे हैं उससे पहले कोल्ड चेन का ध्यान पहले रख लीजिए, नहीं तो आप मेहनत करेंगे, खर्चा करेंगे। जी हाँ, बहुत सारे भाई जो है वो खर्चे के बारे में पूछ रहे थे कि सर इसका खर्चा कितना लगेगा। तो भाई ये जो वायल आती है, ये दोनों वायल्स जो है वो 400 रुपये के आसपास आ जाती है, और ऊपर नीचे आपके हिसाब से वहाँ पर जो आपका एरिया है उसके हिसाब से हो सकता है रेट्स बढ़ सकती है, कम हो सकती है, लेकिन फिलहाल लगभग इस रेट में आपको मिल जाएगी 380 से 400 के आसपास। यानी कि एक बकरी के पीछे इसको, ये 100 ml की बन गई, और 100 ml की जब बन गई तो 1 ml हमें चमड़ी में लगाना है। जैसा मैंने शुरुआत में बताया कि चमड़ी में लगाना है तो कितना लगाना है? 1 ml, ओनली 1 ml आपको चमड़ी में लगाना है। और ये 1 ml लगाएंगे तो 100 बकरियों के लिए हो गई, और 100 बकरियों को जब लगा रहे हैं 400 रुपये लग रहे हैं तो इसका मतलब कितनी रेट हो गई? 4 रुपये। तो 4 रुपये तो प्रति बकरी ये आए। इसके अलावा 1 रुपये आपको और खर्च करना है, और वो एक डिस्पो की निडल लेके आनी है जो मेरे हाथ में आप देख रहे हैं,
कुछ इस तरीके की है, इसको आप गौर से देखिए, ये कुछ इस तरीके की है, और ये डिस्पो की 20 नंबर की 1 इंच की निडल, लिख लीजिए डिस्पो की 20 नंबर की 1 इंच की निडल है, इसी को इस्तेमाल किया जाता है, सबसे सुरक्षित निडल है ये। तो 1 रुपया अगर प्रति पशु हम ये माने तो भाई 100 के पीछे 100 रुपये की ये निडलें आएगी, क्योंकि अक्सर क्या है कि आउटब्रेक होने की संभावनाएं रहती है, इसीलिए अगर आप निडल हर बकरी को चेंज करें तो बहुत ही अच्छा रहता है, ठीक है। इसके बाद एक बार ये वैक्सीन लग जाती है उसके बाद आपको 12 महीने तक वापस लगाने की आवश्यकता नहीं है। वैसे ये 3 साल तक भी काम करती है, लेकिन भाई आजकल PPR का जो आउटब्रेक होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है, नंबर 1। नंबर 2, हमारे पशु जो है वो बदलते रहते हैं, PPR किसी भी मौसम में हो सकता है, तो हमारे पशु भी तो हम किसी भी मौसम में खरीद करके ला सकते हैं। तो साल में एक बार अगर इसका टीकाकरण हो जाए तो जो मॉडर्न हम व्यावसायिक बकरी पालन कर रहे हैं उसके लिए ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ हो जाती है। तो वर्ष में एक बार आप इसका इस्तेमाल ज़रूर कीजिए, ये ज़रूरी है। 3 महीने से छोटे बच्चों को मत लगाइए। जब भी आप बकरी खरीद करके लाते हैं पहले से पूछ लीजिए PPR का टीका लगा हुआ है या नहीं है। अगर नहीं है तो आपके फार्म पर ला करके 7 दिन बाद आप टीकाकरण कर सकते हैं। और ये टीकाकरण करने से पहले आप ज़रूर देख लीजिए क्या डिवॉर्मिंग हुई है या नहीं हुई है। अगर डिवॉर्मिंग किए हुए 2 महीने से कम का समय हुआ है तब तो आप बिना डिवॉर्मिंग के ही वैक्सीनेशन कर सकते हैं इस PPR का। लेकिन अगर डिवॉर्मिंग किए हुए 3 महीने से ज़्यादा बीत गए हैं तो आप पहले डिवॉर्मिंग कीजिए, पेट के कीड़े मारने की दवा दीजिए, उसके बाद आप ये वैक्सीनेशन करवाइए, अदरवाइज ये काम नहीं करेगी। ये विशेष ध्यान रखना। और 3 महीने से छोटों को लगानी नहीं है, मैंने आपको बता दिया। प्रेग्नेंट की अगर हम बात करें तो प्रेग्नेंसी के दौरान ये तकलीफ कर सकती है, लेकिन इसका तकलीफ करना हमने देखा है एरिया स्पेसिफिक है। एरिया स्पेसिफिक मतलब इंडिया के बहुत सारे ऐसे एरिया है जहां पर PPR को, ग्याबिन को लगाया जाता है और कोई तकलीफ नहीं होती, जबकि कुछ एरियाज ऐसे हैं जहां पर प्रेगनेंसी में अगर लगाते हैं तो कुछ बकरियों में 5 से 10% बकरियों में अबॉर्शन हो सकता है। इसीलिए आप अपने नजदीकी पशु चिकित्सक की सलाह लीजिए कि आपका एरिया क्या कहता है, उसके हिसाब से आप PPR की वैक्सीनेशन करवाइए। इसके अलावा जब भी वैक्सीनेशन करवाते हैं ग्याबिन के लिए तो आप मिड प्रेगनेंसी में करवाइए, बहुत अच्छा रहता है। कहने का मतलब शुरुआत के 2 महीने, अंत के 2 महीने आप छोड़ दीजिए और बीच में लगवाइए तो अच्छा रहता है। इसके अलावा मान लीजिए आपने घोल ली है और आप तो बहुत ही कम देखना चाहेंगे क्राइटेरिया, तो ऐसी कंडीशन में जब आपने जिस बकरी को क्रॉस करवा दिया है, क्रॉस करवाने के 1 महीने तक पहले वाला छोड़ दीजिए और अंतिम जो महीना है उसको छोड़ दीजिए, ये तो छोड़ने ही पड़ेंगे, लेकिन ये बात आप अपने नज़दीकी पशु चिकित्सक की सलाह से ही करेंगे आपका एरिया क्या कहता है। ये बहुत ही ध्यान रखने वाली बात है। जिस दिन खोल लिया उसी दिन इसको इस्तेमाल कीजिएगा। इसके अलावा इसको किस महीने में लगाना है, देखिए सबसे सुरक्षित जो इसका महीना होता है वो होता है जुलाई के एंड में और अगस्त के शुरुआत में। आप अगर जुलाई अगस्त में इसको इस्तेमाल करवा लेते हैं सबसे बेस्ट रहता है, तो आप जुलाई अगस्त में ही इसका इस्तेमाल कीजिए, बहुत ही शानदार रहेगा। इसके अलावा जब भी आप PPR वैक्सीन कर रहे हैं सुबह का समय चूज कीजिए, ये बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि कोई भी वैक्सीन हो वो स्ट्रेस ज़रूर करती है, तो पूरे दिन में आप अपनी बकरियों को बगैर स्ट्रेस के रख सकते हैं, उनका ध्यान रख सकते हैं। तो या तो आप सुबह के समय लगाइए या आप शाम के समय लगाइए, लेकिन दोपहर के समय धूप में आपको नहीं लगाना है, स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, बस ये ध्यान रखें। अब आज मान लीजिए बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है और मौसम बहुत बिगड़ा हुआ है, बादल बिजलियाँ गरज रही है और चारों तरफ गीलापन हो रखा है, तो आप अवॉइड कर दीजिए, 2 दिन बाद में लगा दीजिए। लेकिन मौसम उस समय अगर साफ हो तो भाई फायदा मिलेगा, क्योंकि बकरियों को स्ट्रेस ज़्यादा नहीं होगा। इसके अलावा ये वैक्सीन जब आप लगा देते हैं तो ये वैक्सीन लगाने के 21 दिन तक आपको दूसरी कोई भी वैक्सीन नहीं लगानी है, ये ध्यान रखना, क्योंकि इसकी इम्यूनिटी डेवलप होने में 21 दिन का समय लगेगा और 21 दिन बाद ही आप किसी दूसरी वैक्सीन के बारे में सोचना। जब तक कोई दूसरी वैक्सीन मत लगाना, चाहे वो किसी भी हो।
इसके अलावा मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि मैं आपको फिक्स जगह बताऊंगा, तो उसके लिए मैं आपको ले चलता हूं अगली स्लाइड में। और यहां इस बकरी को देखिए, आपके सामने बकरी खड़ी है। शुरुआत में मैंने तरीका भी बताया था और मैंने निडल वगैरह बता दी। इस निडल से ये जगह यहां पर, ये स्केपुला बोन है, मैं रेड ले लेता हूं, यहां पर ये स्केपुला बोन है, मतलब हड्डी है जो आपको यहां पर दिखेगी। इस हड्डी के जस्ट आगे यहां, अब ये जगह और ये जगह, इसमें से आपको नीचे से 40% की जो जगह है उसका चुनाव करना है, ऊपर से 60, नीचे से 40, और उस जगह से चमड़ी को उठाना है और चमड़ी में लगा देना है। अब देखिए यहां पर ये तो आ गया 50%, यानी बीच का हिस्सा है भाई। ये और ये अगर देखें तो बीच का हिस्सा कौन सा है आपको ही दिख रहा है, ये है। तो ये 50% है, इससे थोड़ा सा नीचे, यानी ये जगह आप चूज कीजिए। पीपीआर लगाने के लिए मैंने जो अभी स्पॉट बनाया है, इसको मैं व्हाइट करूं, व्हाइट, तो ये स्पॉट है। इस जगह आप चमड़ी को उठाइए, चमड़ी को उठा करके चमड़ी के अंदर डाल दीजिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस तरीके से आप पीपीआर को कंप्लीटली वैक्सीनेशन कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं। तो भाई पीपीआर के बारे में मैंने सब कुछ बताने का प्रयास किया है, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, अगर कोई बात छूट गई है जल्दबाजी में तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताइएगा ये वीडियो कैसा लगा। अगर इसी तरीके की वीडियो चाहिए तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, मैं ऑल ओवर वैक्सीनेशन के बारे में आपको डिटेल से जानकारी दूंगा ताकि कभी भी आप चूके नहीं।